प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। पार्टियों ने घोषित किए अपने प्रत्याशी। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार भी किया शुरू। आचार संहिता नहीं लगने से प्रत्याशियों को फायदा। प्रत्याशियों के चुनाव खर्चे पर नहीं है नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। सभाओं से लेकर रैलियां भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक चुनावी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले प्रचार पर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर नजर कौन रखेगा? चुनावी खर्चे पर लगाम कौन लगाएगा? 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख की चुनावी खर्च सीमा। पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं होने से चुनावी खर्चे पर नहीं है नजर। वोटर्स को लुभाने प्रत्याशी दे सकते हैं कोई भी प्रलोभन। आचार संहिता नहीं होने से चुनाव में नहीं जुड़ेगा प्रत्याशियों का खर्चा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 70 लाख की खर्च सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया है। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद ही चुनावी खर्चे पर नजर रखी जा सकेगी। ऐसे में अभी जो खर्चा किया जा रहा है उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? ऐसे में प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए कोई भी प्रलोभन दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता लागू होने से पहले टिकट मिलने से प्रत्याशियों का खर्च भी 2 से 3 गुना बढ़ना तय माना जा रहा है। प्रत्याशियों को यह फायदा होगा कि उनका यह खर्च चुनावी खर्चे में नहीं जुड़ेगा। भाजपा कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी। प्रत्याशियों ने शुरू किया कैंपेन। टेंट भोजन और वाहन पर खर्च करना किया शुरू। लिमिट से अधिक खर्च करने पर है सजा का प्रावधान। प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस सहित कई दलों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन सभी प्रत्याशियों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इन प्रत्याशियों ने समर्थकों के लिए टेंट परिवहन और भोजन सहित कई तैयारियां शुरू कर दी है। यदि प्रत्याशी निर्धारित लिमिट से अधिक खर्च करता है तो सजा का प्रावधान है। लेकिन आचार संहिता से पहले खर्चे पर नजर नहीं होने से प्रत्याशियों को सजा नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार।